काफी मजेदार रिएक्शन है। ये तो भाई सामान वहीं पर रखा हुआ है, इन सामानों को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। और आज मैंने अमाउंट ज्यादा रखा था और इसी वजह से इस भाई के पास आए हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो दोस्तों अपने सीने को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत ही डिफरेंट आइडिया लेकर आए हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, हमने कई वीडियोस में हाइड्रोजन गैस बनाई, उसके बलून बना के उसको उड़ा के भी देखा, और एक गर्म पानी के अंदर जब मैंने कास्टिक सोडा और एल्युमिनियम फॉइल को डाला तो उसका रिएक्शन भी देखा। तो इन सभी से हमें एक चीज सीखने को मिली है कि गर्म पानी के साथ कास्टिक सोडा और एल्युमिनियम फॉइल को डाला जाता है तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इसी चीज को देखने के लिए आज हमारे पास पूरा सामान यहाँ पे तैयार है, और हाइड्रोजन गैस को बलून के अंदर भरेंगे और कोशिश करेंगे कि इतने अमाउंट में बन पाए कि जो बलून है वो फूट जाए। अगर नहीं फूटता है तो उसके बाद उसको अलग तरह से जला दिया जाएगा। तो वीडियो में बने रहे, काफी सारा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पूरा सामान है। तो आप लोगों को एक बार दिखा दूं, तो यहाँ पर हमारे पास सेलो टेप है और ये खाली बोतल है 2 लीटर की, क्योंकि इससे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने किए थे वो 1 लीटर कांच की बोतल में किए थे, और यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल है तो इसका भी देखेंगे, क्योंकि हीट काफी प्रोड्यूस होती है तो इससे क्या होगा। उसी के साथ यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम फॉइल है और एक पेपर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और वो है कास्टिक सोडा। और इधर आप लोगों को दिखाई देगा ये केतली के अंदर गर्म पानी, काफी गर्म है। तो आज गर्म पानी के साथ एक्सपेरिमेंट कराते हैं, क्योंकि जैसे पहले हमने किया था तो उसमें काफी हीट भी जनरेट हुई थी और जो रिएक्शन है काफी फास्ट हुआ था। तो इसी चीज को देखने के लिए, और यहाँ पर मेरे पास है बलून, तो इन बलून्स के अंदर भरेंगे और इनको टेपिंग कर देंगे अच्छी तरह से बोतल के ऊपर, और उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर बनती है उससे देखेंगे कि बलून को फोड़ पाती है या नहीं फोड़ पाएगी। जो भी होगा वीडियो में आप लोगों के सामने होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा सामान रेडी है, एक बार आप लोगों को दिखा दूं। इसके अंदर गर्म पानी था और जो हमारा एल्युमिनियम फॉइल थी उसके हमने इस तरह के पीस बना लिए हैं छोटे छोटे, जो बोतल के अंदर आसानी से घुस जाए, और उसके बाद कास्टिक सोडा को इस पे रख लिया है कि जिससे बोतल के अंदर ये आसानी से चला जाए। पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और आज प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे हमारे दोनों भाई, कुल्ली भाई और भीम भाई। तो भाइयों स्टार्ट कीजिए प्रोसेस को, और उसके बाद देखते हैं हम कितना सक्सेस हो पाते हैं। और आप लोगों से कहूंगा ऐसा कुछ भी कहीं पे ट्राई ना करें, क्योंकि काफी खतरनाक हो सकता है दोस्तों। इसका जो रिएक्शन है वो आप लोग एक बार देखोगे तो उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना खतरनाक होता है। तो भीम भाई ने बोतल के अंदर गर्म पानी डाल दिया है, और ये 2 लीटर की बोतल इसलिए रखी है क्योंकि पहली वीडियोज में जो पानी था वो उबल के बलून के अंदर चला जाता था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके बाद भाई कास्टिक सोडा को डालिए, इसके बाद कास्टिक सोडा जब डलेगा तो उसके बाद खासा कोई रिएक्शन नहीं होगा इसके अंदर, और जैसे एल्युमिनियम फॉइल डलेगी तो उसके बाद रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर कास्टिक सोडा इसके अंदर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। और इसको डालने के बाद भीम भाई इसको थोड़ा हिला देना, जो ये इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह से हिला दो बेशक, क्योंकि इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन होता है जो इसका गर्म पानी में, देखो बोतल को पचका दिया इसने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बोतल का जो वो शेप है वो चेंज हो गई है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, बोतल भी फट सकती है, बलून भी फट सकता है। तो भाई आप डालो इन एल्युमिनियम फॉइल्स को, और उसके बाद सारी हाथ में लेकर पहले। तो यहाँ पे दोनों भाई मेरे लगे हुए हैं, तो आप लोगों से कहूंगा अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप लोगों को यहाँ पे रिएक्शन दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर निकल रही है हाइड्रोजन गैस, काफी मजेदार रिएक्शन है। ये तो भाई हाथ गरम है, वो तो लगेगा ही नहीं। एक बार लगा दो दोबारा। तो यहाँ पे बलून लग गया है, और देखते हैं इसको फोड़ पाती है या नहीं, और सारा सामान वहीं पे रखा हुआ है। तो ये हम हमारा एक्सपेरिमेंट आज का सक्सेस हो गया। और आप लोग देख सकते हो कितना बेहतरीन रिएक्शन इसमें हो रहा है। इन सामानों को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, और आज मैंने अमाउंट ज्यादा रखा था और इसी वजह से इस रिएक्शन को अब यहाँ पर इसमें आग लगा कर देखते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस रेगुलरली बन रही है तो इसके ऊपर आग लगा के देखते हैं वो पॉप साउंड इसमें भी आता है या नहीं। तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो बन चुकी है, क्योंकि काफी देर हो गई नहीं बन रहा। तो इसमें अब फिलहाल जो ये ML की बोतल बना दी है तो
700 ml से भी कम यार, 8 लीटर की। दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से इसी पानी के अंदर हमने एल्युमिनियम फॉल बच गई थी दो तीन, तो उनको डाला है और ये बलून जो है आपका हाइड्रोजन गैस से भर रहा है। आप लोग देख सकते हो इसका कलर, जो पानी का कलर है वो किस तरह का हो गया। अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार बन लेने दो इसको पूरी तरह से। जब ये बन ले तो उसके बाद आग लगाना, फिर देखना नज़ारा किस तरह का रहेगा। और काफ़ी खतरनाक रिएक्शन है, तो दोस्तों आप लोगों से कहूँगा ऐसा कुछ भी कहीं पर ट्राई ना करें। और भीम भाई अगर इसमें आग लगानी है तो मैं आपको बोलूँगा सेफ्टी के साथ करें। नहीं, थोड़ा पीछे हटके कर रहा हूँ, रुक जाइए। तो यहाँ पर काफ़ी अमाउंट में इस बलून के अंदर हाइड्रोजन गैस लग चुकी है और जो भीम भाई हैं वो तैयारी कर रहे हैं सेफ डिस्टेंस के साथ इसमें आग लगाने की। और आज का ये एक्सपेरिमेंट भीम भाई की तरफ से स्पेशल है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक बार ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट मैं भी करना चाहता हूँ, तो आज इसीलिए भीम भाई के पास आए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। और ये इसके अंदर हाइड्रोजन गैस तो बन गई है और इसके अंदर लगा के देखते हैं आग। और आप लोगों ने देखा किस तरह का नज़ारा था, तो ये प्रूफ होता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। और भीम भाई काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को करने के बाद। और कुली भाई कैसा लगा हमारा एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा हमारा। तो एक्सपेरिमेंट सक्सेस, बोतल को इतना सा बना दिया, इतना सा। हाँ, ये चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग देख सकते हो, ये जो बोतल है, भीम भाई एक बार अपना हाथ यहाँ पे रख के दिखाएं कितनी बड़ी हो गई है। तो ये 2 लीटर की बोतल इतनी छोटी तो नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर पानी भी गर्म था और जो एक्सपेरिमेंट हुआ अभी तो इसका साइज कम होने पे ही है, और यहाँ पे काफी कम साइज हो गया। और इसके बाद इसके अंदर जो भी मामला है उसको निकाल कर देखते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट इसी वजह से मैंने बाहर किया था क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग देख सकते हो ये किस तरह का, ये तो एक नई चीज बन गई भाई जी, निकल नहीं रहे बंदा भाई। तो आप लोग देख सकते हो इसको अगर प्रेस करते हैं तो ही इसके अंदर से मामला बाहर आता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का नजारा जो मामला है इसके अंदर से निकला है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। उसी शेप में ला सकते हैं जिस शेप में पहले थी, उस शेप में नहीं आ सकती भाई जी अभी। तो एक बार भीम भाई को आप लोग गौर से देख लो, ये वही शख्स है जिन्होंने आज का एक्सपेरिमेंट पूरा किया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों यहाँ पर दल्लो भाई भी आ चुके हैं। दल्लो भाई हेलो। हेलो, क्या हाल है दल्लो भाई? बढ़िया सर जी, बढ़िया सर जी। तो दल्लो भाई थोड़ा लेट हो गए, परंतु मैंने इनको कहा है कि आप लोग आप वीडियो में इस चीज को देख सकते हो आज हमने क्या किया है। काफी मजेदार एक्सपेरिमेंट था। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।